हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 बाई 40 फुट में एक हाउस प्लान है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ये प्लान है, नॉर्थ फेसिंग प्लान है, वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। थोड़े अलग तरीके की प्लानिंग की गई है इसमें और ये प्लान हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। समझने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइट। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो प्लान है, एरिया आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। और आप इसमें ये भी एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि टू साइड प्लान आप देख रहे हैं इसमें, कि रोड इसमें दोनों तरफ है। बट इन केस अगर आपके प्लान में दोनों तरफ रोड नहीं है तो भी आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रंट में काफी सारा छोड़कर बनाया गया है इसको। प्लॉट एरिया जो है वो ये 30 बाई 60 का है, लेकिन इसे 30 बाई 40 फुट में प्लान को किया गया है। तो अब यहाँ से अंदर आएंगे, देखिए यहाँ पर एक गेट दिखाया गया है। एंट्री वरांडे में होगी, 8 फुट 9 इंच वाइड एक वरांडा है। यहीं से स्टेयर केस दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर आप यहाँ से जाएंगे, एंट्री यहाँ पर होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 बाई 10 का एक छोटा ड्राइंग रूम मिल रहा है आपको। यहाँ से एंट्री इसकी इसी तरफ से है, गेस्ट को आप यहाँ से अंदर ला सकते हैं। एक विंडो इसकी रोड की तरफ लगाई गई है, दूसरी विंडो इस तरफ सामने की तरफ लगाई गई है। यहाँ से अंदर आएंगे दोस्तों, D0 है मेन एंट्री यहाँ पर है। यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो लॉबी में होगी। लॉबी कम डाइनिंग एरिया है ये, 12 बाई 18 फुट काफी बड़ा एरिया आपको मिल रहा है। एक विंडो इसकी रोड की तरफ लगाई गई है। आप यहां पर देख सकते हैं एक बेडरूम मिल रहा है आपको 10 बाई 10 फुट का। एंट्री इसकी यहां से है। और आप यहां पर देख सकते हैं 6 बाई 9.5 फुट का एक टॉयलेट है। पीछे वेंटिलेशन के लिए एक जाल दिया गया है। तो यहां पर एक ओपन स्पेस आप देख सकते हैं, यहां पर 4 फुट वाइड एक ओपन स्पेस है। इस रूम के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। 14 बाई 10 फुट का ये बड़ा रूम मिल रहा है आपको। इसकी एंट्री यहाँ से दी गई है। साउथ ईस्ट कॉर्नर पर आपका किचन आ रहा है, 7 फुट 9 इंच बाई 10 फुट वाइड ये किचन है। इसकी विंडो जो है वो साइड में जो रोड है इधर लगाई गई है। और इसके बराबर में 14 बाई 10 फुट का ये बेडरूम है। तो दोस्तों, इस वाले प्लान में आपको मिल रहे हैं, आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं, एक ड्राइंग रूम मिल रहा है। लिविंग के लिए काफी बड़ा स्पेस है, लिविंग कम लॉबी आप इसे बोल सकते हैं। किचन है, किचन के जस्ट सामने आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल लगाई गई है। तो यहाँ पर खाना लग गया, यहाँ पर सर्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सामने ही है। 6 बाई 9.5 फुट का टॉयलेट आपको मिल रहा है यहाँ पर। टॉयलेट सीट अगर आपके कॉर्नर में लगी है तो आप इसमें शावर कैबिनेट सेपरेट लगा सकते हैं, वॉश बेसिन लगा सकते हैं। तो काफी सारा स्पेस मिलता है आपको, कपड़े धोने के लिए भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिलेगा इसमें आपको। पीछे एक 4 फुट वाइड वेंटिलेशन के लिए एक ओपन स्पेस दिया गया है। दोस्तों, ये तो इसका था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर में बस थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन लिखा है, ये बालकनी घूम रही है। तो किस तरह से इसकी बालकनी घूमेगी, किस तरह से वो प्लान दिखाई देगा, तो उस चीज की मेन डिटेल है। ये आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ये देख सकते हैं दोस्तों। सारी चीजें वैसी हैं, थोड़े से बदलाव किए गए हैं। ड्राइंग रूम था यहाँ पर, ये बेडरूम हो गया है। बालकनी पर 4 बाई 6 का एक टॉयलेट लिया गया है। इसकी एंट्री बाहर की तरफ से रखी गई है। आप चाहें तो इस टॉयलेट को इस रूम के साथ अटैच कर सकते हैं। वरांडा एज इट इज है, स्टेयर के साथ कैसे चल के आएंगे जहां पर आपकी एंट्री होगी। तो बालकनी में सभी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस रूम के थ्रू ही आया जा सकता है। तो ये मेन डोर खोल के सभी लोग इस बालकनी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक 2.5 फुट वाइड एक बालकनी बनाई गई है, जिसकी एंट्री यहाँ से दी गई है। जो लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, यहाँ से इसकी एंट्री दी गई है। तो दोस्तों, किचन भी एज इट इज है, बेडरूम भी ऐसा ही है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, इस एरिया को पूरा ओपन कर दिया गया है। 6 बाई 14 के इस एरिया को पूरा ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर पहले कॉमन टॉयलेट था, अगर आप चाहें तो एज इट इज टॉयलेट बना सकते हैं और बाकी हिस्से को ओपन रख सकते हैं। बेडरूम ये सेम है, 10 बाई 10 का ये बेडरूम है, 14 बाई 10 का ये बेडरूम है, किचन भी सेम है। तो दोस्तों, ये इस तरह की प्लानिंग थी कि इसमें आपको मिल रहे हैं 3 रूम नीचे मिल रहे हैं और 3 रूम आपको ऊपर मिल रहे हैं। टॉयलेट की सेटिंग थोड़ी चेंज की गई है। तो बालकनी के लिए इसको बताया गया है किस तरह से आपकी बालकनी आएगी। यहाँ पर इस साइड में सीधी बालकनी आएगी 2.5 फुट की, साइड में आपको कट लेके कट साइज में आप बालकनी ले सकते हैं। चाहे तो पूरे थ्रू आउट इस लेंथ पर 30 फुट की लेंथ पर बालकनी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये यहाँ तक आ जाएगी और ये मुमटी के लिए सेक्शन विंडो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ऐसा फील नहीं देगा कि आपका जो स्टेयर केस है वो यू शेप में इस तरह से घूम रहा है, ऐसा लगेगा कि सामने ही बिल्कुल स्टेयर केस है और उसका सेक्शन विंडो बिल्कुल यहीं पर आएगा। तो आप एक मुमटी भी बहुत अच्छी बना सकते हैं यहाँ पर। कॉलम आप देख सकते हैं, ये सारे कॉलम लगाकर बताया गया है कहाँ कहाँ आपको कॉलम इसमें जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्लान आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। इस प्लान के बारे में आपकी कोई राय है तो दोस्तों कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके प्लॉट का साइज डिफरेंट है तो आपके डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही अच्छे दरों पर दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान बनाकर लाएंगे आपके लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, नए नए हाउस प्लान की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।